हेलो एवरीवन, चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हो, यहां पर मेरे पास एक पुराना वेबकैम है और इसका मैं आज टियर डाउन करके आप सभी को जो है बताने वाला हूं कि इसके अंदर होता क्या है। सो बेसिकली देख सकते हो, हर कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। और बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है आपको USB का एक पोर्ट देखने को मिलता है और बाकी यहाँ पर इतनी लंबी तो इसकी वायर ही है, लगभग 1.5 मीटर की इसकी वायर है। सो फिलहाल अभी हम बात करें इस कैमरा के, तो ये कैमरा जो है इंटेक्स कंपनी की तरफ से आता है। देख सकते हो यहाँ पर इंटेक्स से ब्रांडिंग दी हुई है और इंटेक्स कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, जिसके मतलब मैंने भी खुद बहुत सारे सामान यूज किए हैं ना, तो काफ़ी अच्छे मतलब उसके जो गैजेट्स हैं या फिर बोल सकते जो इसके प्रोडक्ट हैं काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। और फ्रेंड बात करें यार यहाँ पर ना कि ये कितने साल पुराना है, तो ये जो है ना 10 साल पुराना, देख सकते हो यहाँ पर 2013 लिखा हुआ है और ये सितंबर के महीने में बना हुआ है, यानी 9वें महीने में। तो फिलहाल इसकी हालत जो है भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हो, और काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा था। तो मैं सोचा यार आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि क्या होता क्या है इसके अंदर। सो चलो इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि देखो यहाँ पर ना एक होल है, ठीक है, यहाँ पे भी होल है और ये वाला जो होल है ना, ये जो है बेसिकली इसके अंदर एक सेंसर लगा है जिसकी मदद से ना अगर लाइट चली जाए तो ये जो है लाइट अपने आप ऑन हो जाती है जब ये आपके PC से कनेक्ट रहेगा तो, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पर होल दिया हुआ है, ये है माइक का होल। बाकी ये तो आपको कैमरा लेंस देखने को मिलता है, बाकी ये सभी जो है 6 LED यहाँ पर लगी हुई है वाइट कलर की, जिससे जो आपको काफ़ी अच्छी सी ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड चलो अभी इसको करते हैं ओपन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ना इसका लेंस निकाल के दिखाता हूँ। तो ये लेंस जो है ना कुछ इस तरीके से निकल जाता है यार, मतलब ये काफ़ी सही बात है। अगर इसको आपको लेंस की मतलब बोलते हैं ना एरिया को एडजस्ट करना कि आप कितना कितने साइज के एरिया को आप जो है कैमरे में दिखाना चाहते हो, तो आप जो है यहाँ पर इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से भाई इसको बहुत ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा मैं घुमा रहा हूँ भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। तो फिलहाल अभी ये जो है यहाँ पर पूरा निकल चुका है और कुछ इस तरीके से लेंस दिखाई देता है, ठीक है। तो फिलहाल ना मैं जो है इसके ऊपर यहाँ पर अपना कुछ भी सामान नहीं लगाने वाला हूँ, इवन अपना मैं अपना फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर टच नहीं करूँगा, क्योंकि यार अगर मैंने इस पर टच कर दिया तो उससे जो है ये लेंस ख़राब हो सकता है और इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। फिलहाल ये जो है वेबकैम जो है वर्किंग है, इतने साल पुराना होने के बाद भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो इसलिए मैं इसको ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। बाकी आप देख सकते हो किस तरीके से ये मस्त चमक रहा है। और कुछ इस तरीके से आगे जो इसका लेंस देखने को मिलता है, छोटा सा कैमरा है भाई, एकदम कैमरे वाला लेंस है, जैसा बड़े बड़े कैमरे में लेंस होते हैं ना उसी तरह की इसकी फीलिंग आती है। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ साइड में और उसके बाद अब बात करते हैं कि इसको कैसे ओपन करें। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर पीछे 2 स्क्रू दिया हुआ है, तो एक स्क्रू यहाँ है और एक स्क्रू यहाँ पर इसके पीछे है। तो इसको चलो दोनों को मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी जो है मैंने इसके दोनों स्क्रू को ओपन कर दिया है और कुछ इस तरीके से ये पूरा बाहर निकल जाता है। और भाई देखो ये जो है इसका फ्रंट वाला पार्ट और ये जो है पूरा इसका मेन सर्किट और ये जो है पीछे इसका पूरा मेन फ्रेम। सो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर दोनों स्क्रू पहले मैं निकाल कर साइड में रख लेता हूँ, नहीं तो भाई एकदम मतलब खो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे से स्क्रू हैं। तो इसको मैं पहले साइड में रख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो ये इसका क्लैपर है, तो इसको मैं अभी साइड में करता हूँ यहाँ पर। और अब बात करते हैं हमारे इस मेन पार्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसमें माइक भी लगा हुआ है, तो देख सकते हो ये वो माइक है जो कि यार काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकाल कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक LDR सेंसर लगा हुआ है, सो बेसिकली ये लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। सो ये वो वाला सेंसर है जिससे जो है लाइट को डिटेक्ट करके ये पता लगाता है कि यार अंधेरा है या फिर उजाला है, उसके अकॉर्डिंग ये इस LED को जो है टर्न ऑन और टर्न ऑफ़ कर देता है। मैं आगे आपको इसको छोटी सी टेस्टिंग में दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसके और भी अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से सर्किट लगे हुए देख सकते हो, बहुत ही छोटे छोटे से यहाँ पर आई थिंक ये भी कुछ ICs लगी हैं 1-2 और छोटे छोटे डायोड हैं। और ये पता नहीं क्या है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर जो है जो इसके अंदर से केबल के अंदर से ना टोटल यहाँ पर जो है 4 वायर आए हैं, ठीक है। तो USB केबल में नॉर्मली 4 केबल ही मतलब 4 तारे ही होती हैं और इन 4 तारों का जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ब्लैक वाला, वाइट वाला, ग्रीन वाला और रेड वाला, कुछ इस तरीके से कनेक्शन किया है। और उसके बाद आगे की साइड में हम बात करें
तो यहाँ पर सभी LEDs को जो है कनेक्ट किया हुआ है, एंड उसके बाद ये जो है हमारा माइक। इसके साइड में यार बहुत सारे छोटे छोटे से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और डायोड भी लगे हुए हैं। और ये हमारा मेन जो लेंस होता ना कैमरा का, ठीक है, जो कैमरा होता है बेसिकली मेन, तो ये है जो लाइट को कैप्चर करता है ना, यही है, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है, छोटा सा। और ये वाला पार्ट मैं ट्राई करता हूँ निकालने का। सॉरी फ्रेंड, ये निकल नहीं रहा है, इसको जब काफ़ी अच्छी तरीके से चिपका दिया है, तो अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो शायद ये दोबारा लगेगा नहीं इसके ऊपर, बट फिर भी देखते हैं यार एक बार। तो यार देखो, फाइनली निकाल चुका है मैंने इसको, और अब जो है कुछ इस तरीके से आप इसके व्यू कर देख सकते हो कि किस तरीके से होता है। देखो तो एक मतलब बोलते ना कि एक यहाँ पर भी स्क्वायर शेप बनाया है, उसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स लगाए हैं, और ये जो है हमारा मेन कैमरा का पूरा सेंसर है। तो अगर आपने यार कभी वेबकैम के अंदर नहीं देखा होगा, सो यार ये वीडियो आपको देख के थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यार इस तरह की मतलब छोटी सी चीज़ में भी कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है, तो आप देख ही सकते हो। और फिलहाल बस इसमें और कुछ है नहीं इतना दिखाने के लिए, और मैं जल्दी से जो है इसको फिर से कर देता हूँ पैक। सो फ्रेंड, इस कैमरा को जो है असेंबल करने के बाद अब मैं आपको जो है ना इसका सेंसर का एक छोटा सा टेस्ट दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि इसका सेंसर किस तरीके से वर्क करता है, तो चलो चेक करते हैं। फिलहाल अभी स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा लाइट जल रहा है, तो देखते हैं कि यार इसको मैं पावर बैंक में फिलहाल लगा रहा हूँ, पावर बैंक से भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, कैमरा नहीं वर्क करेगा, लाइट इसकी अच्छी तरीके से वर्क करेंगी। सो फिलहाल ये जो है पावर बैंक में कनेक्ट हो चुका है, और अभी यहाँ पर लाइट चालू है, इसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो LEDs जो अभी बिल्कुल भी मतलब ऑन नहीं है। तो चलो इसको हम करते हैं ऑन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेंसर को मुझे थोड़ा ढकना पड़ेगा ताकि अंदर इसके लाइट ना जाए, यानी सेंसर पे लाइट ना जाए। तो जैसे ही मैं इसको कवर करता हूँ, आप देख सकते हो कि इसके अंदर लाइट जल रही थी अभी, सो अभी बंद हो गया। ये देखो भाई, एकदम मतलब जल नहीं लगा लाइट, ठीक है। सो बोलते ना कि जैसे इसके अंदर मतलब लाइट गया तो ये जो है बंद हो जाएगा, और जैसे इसके अंदर लाइट नहीं जाएगा ये जो है ऑन हो जाएगा। सो यार काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है और मस्त तरीके से काम करता है भाई साहब, मतलब बहुत अच्छी चीज़ बनाई है भाई। और बोलता ना कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में भी इतना टेक्नोलॉजी का मतलब इतनी सुख सुविधाओं का यार काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सो फ्रेंड, आई होप यार आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।